हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन धाम। एज यू ऑल नो दैट वी वर स्टडिंग विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द एक्ट फर्स्ट ऑफ दिस प्ले एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट एक्ट सेकंड। जैसा कि हमने एक्ट फर्स्ट के लास्ट सीन में पढ़ा कि जो लेडी मैकबेथ होती है वो राजा डंकन को मारने के लिए प्लान बनाती है। और पहले तो मैकबेथ है वो राजा डंकन को मारने के लिए एग्री नहीं होता, वो मना कर देता है। लेकिन जैसे तैसे करके लेडी मैकबेथ क्या करती है, अपने हस्बैंड को रेडी कर लेती है कि जो राजा डंकन है उसकी हत्या करनी है। अब दोनों ही क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं कि वो राजा डंकन को मारेंगे। अब देखिए इससे आगे क्या होता है। एक्ट सेकंड, सीन फर्स्ट, मैकबेथ मेक्स हिज वे टुवर्ड द किंग्स बेड चैम्बर। अब जो मैकबेथ होता है वो जो राजा डंकन होता है उसके रूम की तरफ आगे बढ़ता है। बैंको एंड फ्लियंस आर टॉकिंग जस्ट बिफोर दे गो टू बेड। अब जो बैंको और फ्लियंस हैं वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। सोने से पहले दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं। फ्लियंस बैंको का बेटा, बैंको इज अनइजी एंड कैन नॉट स्लीप। और जो बैंको होता है वो बेचैन होता है और इस वजह से वो सो नहीं पाता। मैकबेथ मीट्स बैंको एंड फ्लियंस। अब जो मैकबेथ होता है वो किससे मिलता है, बैंको और फ्लियंस से। बैंको स्पीक्स ऑफ द ड्रीम ही सॉ द प्रीवियस नाइट ऑफ थ्री विचेस। अब जो बैंको होता है वो क्या करता है, मैकबेथ को जो उसने पिछली रात को सपना देखा था, तीन चुड़ैलों का जो सपना देखा वो मैकबेथ को बताता है, उसके बारे में बताता है। मैकबेथ प्रिटेंड्स दैट ही डिड नॉट थॉट अबाउट विचेस एंड देयर प्रोफेसीज। पर जो मैकबेथ होता है वो ऐसे रिएक्ट करता है कि उसने जो तीन चुड़ैले होती हैं और उनकी भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं सोचा, वो ऐसे बहाना बनाता है। लेटर दे डिसाइडेड टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स एट अ लेटर टाइम। अब वो फिर क्या डिसाइड करते हैं कि इन सब के बारे में, चुड़ैले और उनकी जो भविष्यवाणी थी और उनसे रिलेटेड जो भी बातें हों वो किसी और दिन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। और दोनों इस पे क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं कि फिर कभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बैंको एंड फ्लियंस एग्जिट्स। अब जो बैंको और फ्लियंस दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मैकबेथ वहाँ पे अकेला रह जाता है। व्हेन मैकबेथ इज लेफ्ट अलोन ही इमेजिन्स अ डैगर विच इज लीडिंग हिम टुवर्ड डंकन। अब जब मैकबेथ वहाँ पे अकेला रह जाता है तो वो क्या कल्पना करने लगता है, किसकी कल्पना करता है, अ डैगर, एक छुरे की कल्पना करता है जो उसको कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, डंकन की तरफ, राजा डंकन की तरफ। वो इमेजिन करता है कि एक छुरा है जो उसको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हवा में दिखाई देता है, जिसका छुरे का जो हैंड है वो किसकी तरफ है, मैकबेथ की तरफ, और जो उसका नुकीला पोर्शन है वो किसकी तरफ है, राजा डंकन के बेड चैम्बर की तरफ। तो वो उसको जो डैगर है वो वहाँ लेके जा रहा होता है, डंकन के बेड चैम्बर की तरफ। लेकिन जैसे ही मैकबेथ उस छुरे को पकड़ने की कोशिश करता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, अ बेल रैंग, एक घंटी बजती है। दिस इज़ अ सिग्नल फ्रॉम लेडी मैकबेथ। और जो घंटी बजना ये एक सिग्नल होता है लेडी मैकबेथ के, लेडी मैकबेथ से एक सिग्नल होता है। वो सिग्नल क्या था, दैट द सर्वेंट आर एस्लीप एंड मैकबेथ कैन कैरी आउट द मर्डर। अब ये उन दोनों का सिग्नल होता है कि जब घंटी बजेगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो सर्वेंट्स हैं वो क्या हैं, सो चुके हैं, और मैकबेथ अब अपना जो प्लान था उनका राजा डंकन को मारने का उसको आगे कंटिन्यू करें। तो जैसे ही जो बेल बजती है फिर मैकबेथ वहाँ से जाता है, मैकबेथ एग्जिट्स, मैकबेथ चले जाता है। फिर उसके बाद देखिए सीन सेकंड। सीन सेकंड में क्या होता है, लेडी मैकबेथ एंटर। अब लेडी मैकबेथ आती है
लेडी मैकबेथ ड्रंक द गार्ड ऑफ डंकन्स चैम्बर। लेडी मैकबेथ ने क्या किया, जो गार्ड्स होते हैं राजा डंकन के कमरे के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं उनको वो शराब पिला देती है, जिससे कि वो नशे में हो जाते हैं। और इस चीज़ को लेके वो अपने आप को क्या फील करती है, बहुत ही बोल्ड फील करती है, साहस महसूस करती है वो। लेडी मैकबेथ वेट्स फॉर मैकबेथ टू रिटर्न फ्रॉम किलिंग द किंग डंकन। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो अपने हस्बैंड का वेट करती है कि वो आएगा राजा डंकन की हत्या करने के बाद। शी हियर्स अ नॉइज एंड वरीज दैट अटेंडेंट्स हैव अवेकन बिफोर मैकबेथ हैज हैड अ चांस टू प्लांट द एविडेंस। अब जो लेडी मैकबेथ है उसको एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है और वो चिंतित हो जाती है। लेडी मैकबेथ क्या हो जाती है, चिंतित हो जाती है कि शायद जो अटेंडेंट्स हैं जो रूम के बाहर खड़े थे वो जाग गए हों शायद, और इस वजह से मैकबेथ है उसको मौका ना मिला हो किसका, कि जो उनका प्लान था कि जो डैगर है वो कहाँ रख देना है मर्डर करने के बाद, जो बाहर अटेंडेंट थे जो बाहर खड़े थे गार्ड्स उनके पास रखना है। तो इस वजह से लेडी मैकबेथ सोचती है कि जो चीख निकली कि मैकबेथ को क्या नहीं मिला होगा, मौका नहीं मिला हो शायद कि वो एविडेंस है उसको प्लांट कर पाए। तो इन सब को लेके लेडी मैकबेथ सोचने लग जाती है और चिंता करती है। इसके बाद देखिए मैकबेथ एंटर्स। अब मैकबेथ आता है कैरिंग ब्लडी डैगर, ही सेज दैट द डीड इज डन। अब जो मैकबेथ है वो मर्डर करके आता है और उसके हाथ में क्या होता है, खून से सना हुआ डैगर, वो छुरा होता है उसके हाथ में। और वो आके क्या कहता है अपनी वाइफ को कि जो द डीड इज डन, जो काम था वो पूरा हो गया। काम क्या था, राजा डंकन की हत्या। तो मैकबेथ ने क्या कर दी थी, यहाँ पे राजा डंकन की हत्या कर दी थी और जो छुरा था वो अपने साथ ले आया, जो क्या था, खून से सना हुआ था। मैकबेथ हैज ब्रॉट द डैगर विथ हिम, मैकबेथ वो छुरा अपने साथ ले आया था। लेडी मैकबेथ हरसेल्फ ब्रिंग्स द डैगर बैक इनटू द डंकन चैम्बर। अब जब वो मैकबेथ खून करने के बाद छुरा ले आया अपने साथ, तो लेडी मैकबेथ क्या हो जाती है, क्या कहती है कि वापस जाओ और इसको जहाँ हमने प्लान किया था कि गार्ड्स के पास रखना है वापस रख के आओ। तो मैकबेथ है वो इतना डरा हुआ और घबराया हुआ रहता है कि वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे। इस वजह से लेडी मैकबेथ है वो खुद डिसाइड करती है कि वो छुरा लेके खुद जाएगी और जो डंकन के चैम्बर के बाहर जो गार्ड्स हैं उनके पास रख के आएगी। लेडी मैकबेथ एग्जिट्स, फिर वो जो लेडी मैकबेथ होती है छुरा लेके चली जाती है। अ साउंड ऑफ नॉकिंग, अब मैकबेथ को आवाज़ सुनाई देती है किसकी, खटखटाने की। मैकबेथ इमेजिन्स दैट ही सीज हैंड्स प्लकिंग हिज आईज, ही फील्स गिल्टी एंड मॉर्न्स। अब जो मैकबेथ होता है वो इतना घबराया हुआ रहता है मर्डर करने के बाद कि वो कल्पना करने लगता है, क्या कल्पना करता है कि हाथ दिखाई देते हैं उसको जो उसकी आंखों को क्या कर रहे हैं, नोच रहे हैं। ही फील्स गिल्टी एंड मॉन्स, और वो अपने आप को गिल्टी फील करता है और दुख व्यक्त करता है, वो दुखी महसूस करता है और गिल्टी फील करता है खुद को। फिर इसके बाद लेडी मैकबेथ एंटर्स, लेडी मैकबेथ वो डैगर रख के वापस आती है और आती है तो देखती है मैकबेथ की जो सिचुएशन होती है, वो गिल्टी फील करता है, दुख व्यक्त करता है, कुछ बोलता है। तो ये सब देख के व्हेन लेडी मैकबेथ हियर्स सच थिंग्स, लेडी मैकबेथ जब ये सब चीज़ें सुनती है, सी एक्यूजेस हिम अ साउंड ऑफ नॉकिंग। फिर ये सुनने के बाद लेडी मैकबेथ उस पर क्या लगाती है, आरोप लगाती है, मैकबेथ को भला बुरा कहती है, उसे सुनाती है अ साउंड ऑफ नॉकिंग। इन सब के बीच में साउंड ऑफ नॉकिंग, खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है।
शी टेल्स हिम टू वॉश हिज हैंड्स एंड पुट ऑन हिज नाइट ड्रेस, इट सीम्स दैट ही हैज़ बीन अस्लीप। अब वो क्या कहती है, मैकबेथ से कहती है कि जाओ अपने ये खून से सने हुए हाथ धो लो और जो अपनी नाइट ड्रेस है उसको पहन लो, जिससे कि क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो सोया हुआ था। तो वो उसको गाइड करती है, मैकबेथ को गाइड करती है कि वो अपने हाथ धो ले और जाके जो नाइट ड्रेस है उसको पहन ले। तो ये था सीन सेकंड। स्टार्टिंग से देखा हमने कि वो क्या करते हैं, उनका प्लान रेडी हो जाता है, वो उसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैकबेथ है वो राजा डंकन की हत्या कर देता है और वापस आ जाता है। अब जो नेक्स्ट सीन है, सीन थर्ड, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।